हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आपको एक टॉप की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। मैं ये टॉप बना रही हूँ, आप इसी तरीके से इसे कुर्ती भी बना सकते हो। यहाँ पर ये मैंने प्रिंटेड कपड़ा लिया है, इसकी मैंने ये पटिया कट कर रखी है। मैंने तीन पटिया कट कर रखी है, इनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है वो मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। ये पटिया मैं साइड में रख देती हूँ। इसके बाद ये मैंने हाफ़ मीटर कपड़ा लिया है, ये मेरा अलग अलग पीसेज में कपड़ा था तो ये मैंने हाफ़ मीटर कपड़ा लिया है। इसके बाद जो ये दूसरा कपड़ा लिया है, मैंने ये 1 मीटर कपड़ा लिया है, तो टोटल मैंने यहाँ पर 1.5 मीटर कपड़ा लिया है। अब हम कटिंग शुरू करेंगे। फर्स्ट हम अपनी चोली की कटिंग करेंगे। जो हमारा हाफ मीटर कपड़ा है वो मैंने ले लिया है, ये हमारा एक फोल्ड, और इसके बाद ये हमारा टू फोल्ड, ये मैंने टू फोल्ड कर लिए हैं। सबसे पहले हम चोली की कटिंग करेंगे। चोली की लंबाई हम मैं 14 इंच लूँगी। 14 इंच का निशान लगाकर इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। यहाँ से हम अपने शोल्डर की चौड़ाई लेंगे। मेरे शोल्डर की चौड़ाई है 7 इंच, तो मैं ये 7 इंच पर निशान लगाऊंगी। इसके बाद हम अपने आर्मोल लेंगे। यहाँ पर मेरे आर्मोल भी 7 इंच है, तो ये मैं 7 इंच पर निशान लगाऊंगी। इसके बाद हम अपनी चेस्ट लेंगे। चेस्ट आप अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपका मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ले, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इधर से आप अपनी कमर के लिए निशान लगाएं। दोनों निशान को हम आपस में मिला लेंगे, चेस्ट और कमर वाले निशान को। 1 इंच का मार्जिन रखेंगे जो कि हमारा सिलाई के लिए रहेगा। यहाँ पर हम 1 इंच का निशान लगाकर अपने आर्महोल को गोलाई की शेप देंगे। ऊपर से शोल्डर को 1/2 इंच गिराएंगे। उसके बाद हम आर्महोल के सेंटर में निशान लगाएंगे, 1/2 इंच अंदर की साइड निशान लगाकर हम फ्रंट वाले आर्महोल को 1/2 इंच की ये गहराई देंगे। अब हम नेक की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ पर नेक की चौड़ाई मैं 3 इंच रखूँगी, ये 3 इंच पर निशान लगाया। शोल्डर वाले और नेक वाले निशान को हम मिला लेंगे। अब हम इसे निशान के ऊपर से कट कर लेंगे। ये हमने चोली की कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट और बैक वाले दोनों पीस को अलग कर लेंगे, और फ्रंट वाले आर्महोल के लिए जो हमने निशान लगा रखा है 1/2 इंच की गहराई का, उसे हम कट कर लेंगे। ये हमने चोली की कटिंग को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी चोली की कटिंग के बाद जो नीचे कपड़ा बचा हुआ था उसमें से हम बाजू की कटिंग करेंगे। या बाजू की लंबाई मैंने 7 इंच ली है। अब हम बाजू की चौड़ाई लेंगे। उसके लिए हम अपनी चोली के आर्महोल को माप लेंगे। ये मेरा 10 इंच आया है, तो इसमें हम 1 इंच कम करके लेंगे। वो मेरा 10 इंच आया था, तो यहाँ पर मैं 9 इंच पर निशान लगाऊंगी, 1 इंच आगे की तरफ सिलाई मार्जिन के लिए। इसके बाद बाजू को हम 3 इंच नीचे गिराएंगे और इन दोनों पॉइंट्स को गोलाई की शेप देते हुए मिला लेंगे। नीचे से बाजू की बॉटम लेंगे। यहाँ पर मेरी बाजू की बॉटम 6.5 इंच है। दोनों निशान को आपस में मिला लेंगे। 1 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। अब हम यहाँ पर अपनी बाजू की भी कटिंग कर लेंगे। अब हमने जो अपने प्रिंट कपड़े की पट्टियाँ ली हैं वो लेंगे। यहाँ पर ये मेरी 3 पट्टियाँ हैं, ये देखिए। सबसे पहले मैं यहाँ 2 पट्टियाँ लूँगी। अब हम दोनों पट्टी को फोल्ड करेंगे। हम चोली की चौड़ाई के बराबर हम इसे फोल्ड कर लेंगे। इन पट्टियों की जो चौड़ाई रखी है मैंने, वो 5 इंच रखी है। इधर जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है उसको हम कट करके अलग कर लेंगे। ये इस तरीके से हमारी चोली के नीचे अटैच हो जाएगी, और जो हमारी चोली की तैयार लेंथ होगी वो 17 इंच होगी, क्योंकि 1/2 इंच हमारी पट्टी भी और चोली भी शोल्डर से और नीचे से कमर से 1/2 इंच सिलाई में चले जाएंगे। अब हम सेम इसी तरीके से अपनी बाजू के लिए पट्टी निकालेंगे। ये हमारी जो एक पट्टी बची हुई थी उसे हम फोल्ड कर लेंगे। ये मैंने फोल्ड कर ली है, 4 लेयर में मैंने इसको लिया है। इस पट्टी में ये हमारा पूरा नहीं हो रहा,
तो ये बाकी जो हमारी पट्टी बची हुई है इसको मैं यहाँ पर अटैच करके इसको पूरा कर लूँगी बाजू की चौड़ाई के बराबर। प्रिंटेड पट्टी अटैच होने के बाद हमारी बाजू की लंबाई 10 इंच हो जाएगी। उसके बाद बाजू में हम नीचे की तरफ 7 इंच की एक फ्रिल लगाएंगे। यहाँ हमने बाजू और चोली की कटिंग कर ली है अपने हाफ मीटर कपड़े से। अब हम इसके घेर की कटिंग करेंगे। उसके लिए जो हमारा 1 मीटर कपड़ा था वो मैंने कपड़ा ले लिया है। यहाँ पर मैंने कपड़े को खोल कर ले लिया है। ये हमारे कपड़े की लंबाई है और ये हमारे कपड़े की चौड़ाई है। कपड़े को मैंने इस तरीके से फोल्ड कर रखा है, ये आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं घेर की ये वाली लंबाई रखूँगी और ये वाली मैं चौड़ाई रखूँगी। घेर की जो लंबाई है वो मेरी है 17.5 इंच और घेर की चौड़ाई जितना हमारा ये 1 मीटर कपड़ा है 39 इंच, तो मैं यही अपने घेर की चौड़ाई रखने वाली हूँ। इसमें हमारी प्लेट्स आ जाएंगी। अब जितना मैंने कपड़े को फोल्ड करके रखा है वहाँ से मैं कपड़े को कट कर लूँगी और इधर से जो ये हमारा कपड़ा बचेगा इसको मैं बाजू में यूज करूँगी। ये हमारे बाजू के आगे लगेगा। दूसरे साइड से जिधर से हमारा फोल्ड है ये, इसे भी हम कट करके अलग कर लेंगे। ये हमारे 2 पीस होंगे, जो हमारे 1 पीस फ्रंट घेर में लगेगा और एक हमारा बैक का घेर होगा। नीचे हमारे घेर वाले कपड़े में इस तरीके से प्लेट्स आ जाएंगी, ऊपर हमारी चोली रहेगी और बीच में हमारा ये प्रिंटेड कपड़ा रहेगा। इस तरीके से इसका कुछ लुक आएगा। अब ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है जो हम बाजू के आगे लगाने वाले हैं। कपड़े को हम फोल्ड कर लेंगे। ये हम बाजू लेंगे, ये हमारी बाजू है जो हमने कट कर रखी थी। उसके बाद ये हमारा प्रिंटेड कपड़ा आएगा। अब हमने जो ये कपड़ा फोल्ड करके रखा था उसको वहाँ से कट कर लेंगे। इसके 2 पीस बना लेंगे। 2 पीस हमारी दोनों बाजू पर एक एक पीस लगेंगे। इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और जो जितना भी हमारा एक्स्ट्रा है उसमें हम इस तरीके से प्लेट्स डाल देंगे। यहाँ पर जो हमारे बाजू की तैयार लेंथ है वो हमारी बाजू की तैयार लेंथ 16.5 इंच रह जाएगी सिलाई में आने के बाद। तो यहाँ पर हमने अपनी बाजू की भी कटिंग कर ली है। ये इस तरीके से हमारी एक डिजाइनर बाजू हो जाएंगी। हमने अपनी चोली की भी कटिंग कर ली है और अपने घेर की भी कटिंग कर ली है। इस तरीके से हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसका नेक किस तरीके से बनाऊंगी, इसकी स्टिचिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाली हूँ। इसका नेक डिजाइन मैं कौन सा बनाने वाली हूँ, हमारे टॉप का फाइनल लुक क्या होगा वो आप नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखना। सिलाई वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉप की स्टिचिंग के साथ। तब तक के लिए बाय।